पूरणमासी की काली रात का कालयोग शुरू होने वाला है। ये लो सफेद सिंदूर और ये काली चूड़ियां, राखी शादी में यही पहनेंगे। आज पहली बार किसी ने उसे न्योता देकर बुलाया है। काल आएगा और फिर वो अपने साथ किसी को ले जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये शादी नहीं हो सकती है। चूड़ा क्यों उतार रहे हैं? आप शादी करवाना है, शादी करवाइए। माफ कीजिए, मैं शादी नहीं करवा सकता हूं। क्यों? क्यों नहीं करवा सकते? ये चूड़ा, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, इस तरह की शादी इस गांव में नहीं हो सकती है। वो राक्षस आ जाएगा और सबको खा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर, कोई भी नहीं बचेगा। क्या बातें कर रहे हैं? तुम पागल हो गई हो। पागल आप हो गए पंडित जी। कौन राक्षस है, कहां कोई राक्षस यहाँ पर? ये तो उसी जंगल से होकर आए, इन्हें तो जंगल में कोई राक्षस नहीं दिखा। इसका मतलब वो राक्षस आ गया है, वो राक्षस यहीं पर कहीं है, आ गया है वो, आ गया है वो राक्षस। पंडित जी भागिए मत, मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए पंडित जी। देखिए इधर आइए, ये मेरी बहन है पंडित जी, मैं इसका भाई हूँ, यहाँ इसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मुझे इसकी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करवानी है। ये चूड़ा नहीं उतरेगा पंडित जी, और बिना शादी कराए इस मंदिर से उतर नहीं सकते पंडित जी। बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों अपनी मौत को दावा दे रहे हो? चुप रहिए। ऋषभ, शायद पंडित जी सही कह रहे हो। घर से लेकर यहाँ तक कोई तो था जो हमारा पीछा कर रहा था, तो शायद रहना वो जानवर था। ऋषभ मेरी बात सुनो। चुप रहो तुम चिंदी, मेरी बहन की शादी आज। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शादी दो आत्माओं का मिलन है, दिलों का संगम है, एक अटूट बंधन है। उसमें चूड़ा पहना नहीं पहना क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। जाने कितने सपने देखे हो इसने शादी को लेकर। धूमधाम से शादी होगी, बैंड बाजा बारात होगा, यहाँ पे कैसे शादी करा रहे हैं हम छुप छुपा के? ना कोई रिश्तेदार, ना कोई लोग, ना कोई जान पहचान का कोई भी। कम से कम रीति रिवाज तो पूरे होने दो। पंडित जी इसकी शादी कराइए, और मैं पूरी रात इंतजार नहीं करूंगा, और बिना शादी करवाए आपको यहां से जाने भी नहीं दूंगा। भैया हाथ दीजिए। हर साल की तरह इस साल मैं आपको राखी तो नहीं बांध सकती, लेकिन ये पूजा का धागा, भगवान का रक्षाबंधन आपकी कलाई पर बांध रही हूँ। हम इस गांव में हैं, इतने मुश्किल हालात में एक आप ही तो हैं जो हर मोड़ पर, हर कदम पर मेरी रक्षा करते हैं। आपकी वजह से ये शादी हो रही है, और भैया मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर कभी कोई मुसीबत ना आए। लेकिन गलती से भी आप पर कभी कोई मुसीबत आई तो ये भगवान का धागा आपकी रक्षा करेगा। रक्षा की जरूरत तो तुझे है लड़की। लोगों को लगता है बिजली गरजी है, पर नहीं, ये तो ये उसकी गर्जना है, उस राक्षस की गर्जना है, उसके बदले की गर्जना है। आज पहली बार किसी ने उसे न्योता देकर बुलाया है। काल आया है, अब वो आएगा और अपने साथ किसी को ले जाएगा। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। रुक जाइए अंकल, मेरी बात तो सुनिए, प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत जाइए, कुछ देर और रुक जाइए, प्लीज वेद भैया कुछ तो बोलो। अंकल प्लीज रुक जाइए, प्लीज अंकल। बस अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, सब खत्म हो गया। ए फोली, कहाँ है वो लड़की? वो तो धोखा देकर भाग गई है, सबको सबको धोखा दिया है उसने। वो तो हम जानते हैं, लेकिन वो भाग कर गई कहाँ? भाई जहां उसे जाना था। पगला गई हो क्या?
मगर मंदिर को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई शादी हुई है। यहाँ तो एक पंडित जी हुआ करते थे, कहाँ गए वो? वो छोटे मंदिर गए हैं, वहाँ गांव की हद के पास, वहाँ किसी की शादी करवानी थी। अजय भैया, मैं जानती हूँ आज मैं आपको गलत लगूंगी, पर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जो गलत था मैंने उसे सही किया है, जो करना था वही किया है। इस गांव की सड़कें भी ऐसी है ना, गड्ढे ही गड्ढे हैं बस। चलो छोड़ो, मेरे घर में ही था, मेरी आंखों के सामने। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ, अगर मृत्यु भी आ जाए मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगी, तुमसे जिंदगी भर बहुत प्यार करती रहूंगी। ये फेरा भी मैं पहले लूंगा। बेटा उल्टे फेरे मत लो, पांचवें फेरे से कन्या आगे चलेगी। तो पंडित जी या दूल्हा पहले आगे आएगा। मैं तुमको वचन देता हूं, जब तक मेरी जान में जान है मैं तुमको हर मुसीबत से बचाऊंगा। विवाह संपन्न हो गया। वरुण, मैं तुम्हें अपनी जान, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूं, ख्याल रखना। हाँ भाई। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए ना। जाने दो, शादी पूरी हो गई है। भैया अभी एक रस्म बाकी है, कलीरों की रस्म। नई दुल्हन जिस भी कुंवारी लड़की पे अपनी कलीरे गिराती है ना, उसकी शादी अगली होती है ना। अब तुम्हारी बारी है ना, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम कभी भाग के शादी करो ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। हाँ, इसकी शादी, इससे कौन शादी करेगा।
और भाग के शादी करना तो छोड़ दो। इसको देखे इसका दूल्हा ही भाग जाएगा, सोचेगा शादी करके इसको गले लगाने से अच्छा है मौत को गले लगा ले आदमी। चलो फिर विदाई का वक्त हो गया। भैया मुझे घर जाना है, सबसे मिलना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बुरी कोई बात हो ही नहीं सकती। ये क्या बड़ों का आशीर्वाद नहीं? आशीर्वाद नहीं, मौत देंगे तुम्हें, मार डालेंगे तुम्हें वो लोग। नहीं ऋषभ, हाँ नलिन अंकल थोड़े स्ट्रिक्ट है पर वो मेरे बाप हैं, उनको सबसे अच्छे से मैं जानता हूँ। राखी, राखी तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। तुमने अजय से शादी नहीं की, उनकी करोड़ों की डील कैंसिल हो गई, जानती है ना डैड को। वो टैक्सी आ गई वरुण, ये टैक्सी तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा देगी, ठीक है? और राखी मुझे थोड़ा सा वक्त दे डैड को समझाने का, मुंबई पहुंच के सब ठीक हो जाएगा। ओके ऋषभ, कम से कम इसे मां से तो मिल लेने दो। तुमने बहुत हेल्प कर दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बोलूंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता घर में जाने में कितना खतरा है? अगर मेरे डैड ने इसे देख लिया ना तो। वरुण तुम टैक्सी से स्टेशन जाओ, मैंने ड्राइवर को सब समझा दिया, वो तुम्हें कमलपुरा नहीं ले जाए, उसके आगे के स्टेशन ले जाए जहां से हम दोनों ने टैक्सी पकड़ी थी। अरे रुको, मैं अभी कमल का फूल लेकर आती हूँ। हाँ जाइए, जल्दी ले जाइए। अरे रुको रुको ऋषभ, तुमने राखी को बिना कमल के फूल कैसे जाने दिया? अरे कमल ऋषभ, वो आजाद हो गई डैड। ऋषभ क्या कर रहा है, बता राखी कहाँ गई? बता रहा हूँ ना, वो आप लोगों के टॉर्चर से आजाद हो गई, वो जहाँ भी है आप चाहो ना चाहो वो खुश रहेगी। पागल हो गया क्या, तूने उसे जाने कैसे दिया? लाल सिंदूर पंडित, तू जानता है कि इस गांव में कोई दुल्हन लाल सिंदूर लगाती है तो उसके साथ क्या होता है? फिर तूने उसे लाल सिंदूर लगाने कैसे दिया? तू इस गांव के रीति रिवाज नहीं जानता क्या? आपके रीति रिवाज, वो मेरी बहन है, आपके गांव की जागीर नहीं है। अरे बिट्टो मर चुकी है वो नौकरानी, तू कुछ जानता भी है? अरे वो बड़ी भयानक मौत देता है, लाल सिंदूर देख लेता है तो वो पागल हो जाता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है, फिर चाहे उसके सामने कोई भी दुल्हन हो वो उसको मार डालता है। मामा जी जाने दीजिए, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, हम लोग स्टेशन जाते हैं, वो लोग वहीं गए होंगे। आइए आइए। राखी को फोन करें, बताता हूँ डैड पूरी फौज के साथ उसका पीछा कर रहा है। अरे ऋषभ, राखी को फोन करने का कोई फायदा नहीं है, जब हम जंगल में भाग रहे थे ना उसका फोन छूट गया था। ऋषभ प्लीज चलो ना, उसे ढूंढते हैं, मुझे लगता है उसकी जान खतरे में है, उसे हमारी जरूरत है। ये लोग मेरी बहन को चैन से जीने क्यों नहीं देते हैं यार? कुछ बुरा नहीं होगा ऋषभ, टोन बारी। बुरा तो शुरू हो गया है। क्या ये हाथ मुझे दे दे ठगरा है? अरे रणवीर सिंह की उम्र में मुझे संजीव कुमार नहीं बनना। मुझे भी कोई गब्बर सिंह बनने का शौक नहीं है, समझे ना। अरे चिंदी तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? चलो ना। कुछ ना कुछ तो बिगाड़ोगी तुम। आशीर्वाद भी नहीं लिया किसी का, भैया को अकेला छोड़ दिया मैंने। बस एक बार मुंबई पहुंच जाएं, मैं अपनी जान लगा दूंगा तुम्हारे माँ बाप को बनाने के लिए। इट्स अ प्रॉमिस। ऋषभ ऋषभ प्लीज राखी को बचा लो ना। किससे? मेरे डैड से ना? नहीं, उस राक्षस से। कोई राक्षस वाक्षस नहीं।
है वो मुझे लगता है वो है। वैसे भी उनकी टैक्सी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तुम तेज चला लो ना प्लीज। अरे शराब पी रखी है क्या? कैसे गाड़ी चला रहा है? और ये कहां से लेके जा रहे हो तुम? शॉर्टकट से लेके जा रहा हूं साहब। राखी की है। और ये टैक्सी की टायर के निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं वो। ऋषभ, ऋषभ मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। पहली बार मुझे तुम्हारा डर सही लग रहा है। चलो जल्दी चल। अरे कहां ले आए तुम? ये ड्राइवर कहां जा रहा है? अब वरुण तुम ऐसा करो, उसे शायद डैड ने भेजा होगा हमें वापस ले जाने के लिए। तुम टैक्सी स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो जल्दी। इस तरफ से चलो। राखी भाग। क्या हुआ? वो मेरे पैर में हमेशा दर्द हो। लगता है वो दोनों वही है वहां उस हवेली के पास। राखी चाबी 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 जाने दो।
है ना। राखी मैं आ रहा हूं, जल्दी आओ। राखी राखी की आवाज इसी हवेली में जा रही थी, वो यही होगी। ऋषभ बोलो ना, राखी को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा राखी को। भैया बचाओ। राखी राखी वरुण 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 राखी राखी हम यहाँ पर हैं, हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राखी राखी मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कहो तुम वरुण। राखी छोड़ के जा चुका है राखी, मर चुका है इस डेट पे, तू ले आओ चले यहां से। वरुण मर चुका है राखी, प्लीज चल। नहीं भैया मर चुका है, उसने मार दिया, उसने मार दिया मेरे बहन को, उसने मार दिया मेरे वरुण को, राखी मेरे वरुण को मार दिया। राखी राखी भैया भैया राखी सुन ना, राखी प्लीज मेरी बात निकल के यहां से। सुन सुन सुन, देख तूने धागा बांधा ना, मैं इसका वचन निभाऊंगा, तू लेके जाऊंगा, तू चल यहां से, चल यहां से, तुझे लेके जाऊंगा। राखी प्लीज चल, लड़ो। Thank you.
भैया मैंने मना किया था कि इस घर में चूड़ा कोई नहीं लाएगा। मुझे नहीं पता चूड़ा कौन लाया और राखी ने उसे क्यों पहना। आप हेलो भैया, हेलो अभी जी, क्या हुआ? ये बच्ची, मेरी राखी कहाँ होगी, क्या होगा उसके साथ? अभी जी, राखी को कुछ नहीं होगा, देखिएगा ये लोग सब गए हैं ना, राखी को लेके आते ही होंगे। कैसे लाएंगे उसे? वो तो दुल्हन बन के गई है। लाल जोड़ा, सिंदूर, मंगलसूत्र, जोड़ा, कैसे आएगी मेरी राखी? कैसे आएगी राखी? आज तो बस गया बताएगी। यही होता मोहिनी, जब बेटी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाती है तो इसी तरह की खबरें आती हैं। इतनी सी तो अच्छी नहीं होती ना, माँ बाप की बात मान ली होती तो यहाँ होती हुँ? ये क्या हो रहा है वहां पर? राखी का कुछ पता चला? कुछ पता लगेगा अपने आप बता दूंगा, फोन रखो। आप अपना ख्याल रखना। नैना मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, इस वक्त माँ को संभालो, समझी? रखो फोन। जी। डैड, आई गेस वो ऋषभ की बाइक है। अरे हाँ, रुको रुको रुको। Yes, Dad, ये ऋषभ की बाइक है। लेकिन युग यहाँ ऋषभ नहीं है, रहना भी नहीं है, दोनों गए कहाँ? ये देखिए, ऋषभ की बाइक यहाँ है, इसका मतलब उनको यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। बट मामा जी, वो यहाँ कहाँ हो सकते हैं? यहाँ हवेली, उस हवेली में। चलो हवेली चलते हैं। चलिए भैया, बचाओ। राखी, राखी कहाँ हो तुम? राखी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, राखी कहाँ हो? राखी, हमारे नाम का सिंदूर,
निशानी खत्म, तुम्हारी कहानी कहानी खत्म। राखी आंखें खोल, राखी ऋषभ, ऋषभ रैना, आंखें राखी। अरे क्या हुआ राखी? डैडी एक मिनट, कुछ नहीं होगा, इसे जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, जल्दी। तो कर रही है ऋषभ। राखी, चुप, पागल हो गई क्या? राखी क्यों बोल रही? अपनी बहन के बारे में ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये राखी नहीं है। आप समझाइए ना, क्या कह रही है? बोले ये राखी नहीं है।
बोलोगे मेरी राखी नहीं है गायत्री, गायत्री बोलो मेरी राखी नहीं है। मैं ब्रह्म राक्षस था, उसने कहा था मैंने तुझसे ऋषभ, कहा था ना मैंने तुझसे कैसा कुछ मत करना, मेरी बात क्यों नहीं मानी तूने ऋषभ बोल। मैं नहीं जानता था आप ब्रह्म राक्षस, क्यों नहीं मानी तूने मेरी बात। आप देख, देख क्या किया तूने, आज तेरी वजह से बेटी की जान चली गई। हाथ मत लगा मुझे, मार डाल, मार डाला इसे ऋषभ तूने मार। और आप भैया, आपसे कहा था ना मैंने भैया इस गांव में शादियां नहीं होती, पर आपने जिद की। और आप बाप कहते हैं अपने आप को, मैंने आपसे कहा आप तो सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने जिद की कि इसी गांव में शादी करेंगे। आप सब सबने जिद चलाई, किसी को ये गांव बसाना था, किसी को इस गांव में मेरी बेटी का घर बसाना था, ये बसाया उसका घर, जान ले ली मेरी बेटी की। ऐसा मत कहो बाप, मेरी बहन में उसका भाई हूँ। और ऐसी बात का तो दुखेगी, तू उसका भाई है। ऐसा होता है भाई, तू भाई नहीं तू कसाई है। प्लीज शांत हो जाओ, समझिए। चुप लोग, तो बीच में नहीं आएगा। जान लिए मेरी बेटी की जान। दुल्हन नहीं सजती, तू सजा के लेके गया था। मैंने कहा था इस गांव में दुल्हन चूड़ा नहीं पहनती, तूने चूड़ा पहनाया ना इसे। मैं नहीं जानता। चुप ऋषभ, जान बूझ के जान ली है तूने मेरी बेटी की, तो आ इसे कफन पहनाएगा, तू इसे चिता पर लिटाएगा, तू आग देगा इसकी चिता को, और जब इसकी चिता जल जाएगी ना, तब ऋषभ तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। चुप चुप चुप, खबरदार जो अपने मुंह से मुझे दोबारा मांगा। मैंने देखा, काश आपने देखा होता। सच्ची आंटी, ऋषभ ने पूरी कोशिश की राखी को बचाने की, इसने तो अपनी जिंदगी तक दांव पर डाल दी। आंटी आपने अगर देखा होता तो। हाँ देख रही हूं मैं, एक ऐसा भाई जिसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया, एक ऐसी दोस्त जो अपने सबसे अच्छी दोस्त को घर से भगा के ले गई और रास्ते पे छोड़ दिया, मौत के रास्ते पे। तुम दोनों ने मिलके मेरी राखी की जान ले ली। नहीं आंटी, राखी वरुण से बहुत प्यार करती थी, उस दिन वरुण के साथ ही जीना चाहती थी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, मेरी बेटी जीना चाहती थी, वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती। लेकिन इस भाई ने मार डाला उसे। नहीं बाप, तू नहीं है ऋषभ, तू कातिल है, तूने अपनी ही बहन की जान ली है। नहीं बाप, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरा बेटा नहीं है।
मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। जा, चला जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। निकल जा यहाँ से, निकल जा। हमारी बेटी की शादी की खुशियां तो हम नहीं मना सके, इसकी मौत का मातम तो मनाने दो। पर जब तक मेरी बेटी का कातिल मेरी नजरों के सामने है, हम ये मातम नहीं मना सकते। निकल जा। निशा, निशा। देखा क्या हो गया? और तुम शहरी लोगों को लगता है कि हम लोग गवार हैं? हाँ हैं, हम लोग गवार हैं, लेकिन हम हमारे रीति रिवाज और धर्म कर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, ये गांव हमारा है और हम जानते हैं यहाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं। तुम्हें पंडित जी ने मना किया था, चेतावनी दी थी तुम्हें, तुम अगर उनकी बात सुन लेते तो आज घर में ये मौत नहीं होती। कहाँ है तुम्हारा वरुण? भैया वहां मंदिर के पास। वादा करो कि तुम जिंदगी भर इससे ऐसे ही प्यार करोगे। ये चूड़ा, ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर, इस तरह की शादी इस गांव में नहीं हो सकती है। गई तो सुना होगा ये जान। क्यों चली गई मुझे छोड़ के राखी? मेरी बहन, मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई क्यों? राखी, तुमसे जुड़ी है हर खुशी। हर साल की तरह इस साल मैं आपको राखी तो नहीं बांध सकती, लेकिन ये पूजा का धागा, भगवान का रक्षाबंधन आपकी कलाई पर बांध रही हूँ। हम इस गांव में हैं, इतने मुश्किल हालात में एक आप ही तो हैं जो हर मोड़ पर, हर कदम पर मेरी रक्षा करते हैं। मैं ही लाया था वो चूड़ा, मुझे नहीं लाना चाहिए था। भाई अपनी बहन की रक्षा करता और मैंने अपनी बहन को ही मार डाला। मैंने मार डाला अपनी बहन को, वो चूड़ा मैं क्यों लाया? क्यों लाया मैं वो चूड़ा अपनी बहन के? मैंने मार डाला, मैंने